जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ब्राह्मण वाणी चैनल पर सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप सूरज रोट व्रत की विधि, पूजा विधि और उद्यापन विधि की सरल और पारंपरिक जानकारी सुनेंगे। सूरज रोट कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। सबसे पहले सूरज रोट का व्रत कब और क्यों किया जाता है इस बारे में सुनिए। सूरज रोट का व्रत होली के बाद चैत्र के मास में आने वाला कोई भी रविवार कर सकते हैं। तीसरा रविवार उद्यापन नहीं करते हैं। यह व्रत पिहरवास में सुख संपत्ति और सुहाग की कामना के लिए विशेष तौर से किया जाता है। सूरज रोट बनाने के लिए पहले समय में सवा शेर के लगभग रोट बनाते थे। आजकल यह छोटा ही बनाते हैं। बिना नमक का थोड़ा सख्त आटा गूंथने के बाद ढोकले टाइप बनाकर बीच में छेद किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसे आप आँच पर सेक भी सकते हैं और घी में तल भी सकते हैं। उसी आटे से दिया बनाकर घी में निकालें। सूरज रोट व्रत के उद्यापन में व्रत के दिन नए वस्त्र, आभूषण तथा श्रृंगार आदि से सुसज्जित होकर स्त्रियां पीपल की पूजा करें। उद्यापन करने वाली स्त्रियां सिर पर जल का कलश रखकर पीपल पूजने जाती हैं। पीपल की पूजन सामग्री में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, मौली, गेहूं, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, फल, फूल, जल का कलश, घी, गुड़, कच्चा दूध, दही, हल्दी मिश्रित आटे के कच्चे फल, कसुमल, नारियल और दक्षिणा पूजा में लें। यदि आपको पूजन सामग्री याद न हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। पीपल पूजा की विधि इस प्रकार है। पूजा में सबसे पहले पीपल पंथवारी में जल, कच्चा दूध और दही सींचें, घी का दीपक जलाएं, कुमकुम काजल लगाएं, मेहंदी से मौली का झूला डालें, फल फूल चढ़ाएं, पीपल माता को कसुमल ओढ़ाएं, कच्चे फल और दक्षिणा चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, कच्चे सूत से सात परिक्रमा लगाएं, कपूर अगरबत्ती आदि करें, गेहूं के दाने, कुमकुम और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर सूरज भगवान की कहानी सुनें। सूरज भगवान की पारंपरिक कहानी हमने चैनल पर दी हुई है, आप जरूर सुनिएगा। कहानी सुनने के बाद सूरज भगवान को जल चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं, साड़ी या ओढ़नी के पल्ले से सूरज रोटा पकड़कर एक पैर पर खड़े रहकर सूर्य नारायण के दर्शन करें। इस समय सूरज भगवान दिखे जैसे टूटे, इस तरह से बोलते हैं। इसी प्रकार आटे का दीपक जलाकर उसे भी देखें। इसके बाद सूर्य भगवान और कुल देवता का धूप करें, फिर भोजन ग्रहण करें। व्रत खोलते समय सूरज रोट और दिया का प्रसाद पहले लें, बाद में दूसरी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। व्रत करने वालों को रोट पूरा खाना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ें। सूरज रोट व्रत के उद्यापन में आठ स्त्रियों को आमंत्रित करते हैं। भोजन कराने के बाद सुहाग की वस्तुएं और दक्षिणा स्त्रियों को भेंट करें। एक साख्या यानी विनायक जी को आमंत्रित करें। भोजन जिमा कर वस्त्र, नारियल तथा दक्षिणा भेंट करें। यह सर्वसाधारण के लिए सरल और सहज विधि है। यदि आपको इससे संबंधित और भी जानकारी पूछनी हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। सूर्य नारायण अमर सुहाग और अखंड पिहरवास दे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक वीडियो को सुनने के लिए बेल आइकॉन ऑन कीजिए। जय सूर्य नारायण।